हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, आप में से जो लोग बेल्ट्रॉन को फॉर्म फिल किए थे उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को एक नोटिफिकेशन भेजा गया होगा आपके नंबर पे, तो उसी की रिगार्डिंग सारी बातें बताने आया हूँ कि आपका फॉर्म में कुछ परिवर्तन किया गया है, उसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो क्या करना है, इससे रिलेटेड सारी बातें को बताऊंगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 5 बजे मेरे नंबर पे मैसेज आया था, जो बेल्ट्रॉन के थ्रू आप देख रहे होंगे, बी के बेल्ट्रॉन के थ्रू आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि डियर कैंडिडेट्स, प्लीज़ अपलोड, एडिट और चेंज योर बैंक चालान ट्रांजेक्शन नंबर एज रिक्वायर्ड यूजिंग द लिंक एट वेबसाइट। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपको फाइनली बताया जा रहा है कि फिर से आप अपना जो बैंक चालान डाले हैं उसे, उस ट्रांजेक्शन के नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग सारी बातों को अपडेट किया गया है। चलिए, अब इसका जो ऑफिसर है उसके थ्रू आपको मैं बता देता हूँ। तो वापस आता हूँ बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मैं वापस आ चुका हूँ बेल्ट्रॉन के वेबसाइट में। जब नीचे आता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं अभी भी जस्ट एक अपडेट कर बताया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा नोटिस सर्कुलेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है री और रजिस्ट्रेशन न्यू बैंक चालान अपडेट करके बताया गया है। चलिए दोस्तों, इसी को आपको ओके करना है एंड क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ओपन करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ। चलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, वहाँ क्या बताया जा रहा है। हाँ दोस्तों, फाइनली पेज ओपन कर चुका हूँ, जहाँ देख सकते हैं ये रहा बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो नया अपडेट आया है, चलिए इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले जो डेट है 21 जून को इसे अपडेट कर बताया गया है, और 21 जून के सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन भेजा गया है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं किया भेजा गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के मार्च अप्रैल 2019 में किए गए रजिस्ट्रेशन में एडिटिंग की सुविधा के संबंध में कुछ नोटिस है, चलिए जान लें। खाली आपको बताएं, बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपने फॉर्म फिल किया था मार्च अप्रैल में, इसी की रिगार्डिंग सारी बातों को आप फिर से नया नोटिस जारी किया गया है, चलिए जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो दिनांक 26/3/26/4 तक रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी के लिए चालान ट्रांजेक्शन नंबर के भूल सुधार हेतु रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिनांक 21/6 से 30/6 तक खुला रहेगा। ट्रांजेक्शन नंबर अगर भूल गए हैं या गलत दे दिए हैं तो उन लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना चालान नंबर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो डेट है उन्हें नए सिरे से दिया गया है, यानी कि 21 जून से 30 जून के बीच आप अपना फिर से चालान नंबर, ट्रांजेक्शन जो आईडी है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एडिटिंग हेतु बेल्ट्रॉन की वेबसाइट, दोस्तों ये रहा वेबसाइट जो आपको मैं शुरू में ओपन कर बताया था, वही वेबसाइट है दोस्तों। हो सके दोस्तों उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं दोस्तों आगे, जहां देख सकते हैं इस वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएं, अपना यूजर नेम जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एवं पासवर्ड डालकर अपना पोर्टल को ओपन कर लें। यदि चालान का ट्रांजेक्शन नंबर सही नहीं भरा गया है तो एडिट करें, चालान का सही ट्रांजेक्शन नंबर डाल दें, जो आपका है चालान नंबर वो अपन डाल दें अगर आपका वहाँ पर गलती है तो, तथा सबमिट कर दें। इसके पश्चात ट्रांजेक्शन स्लिप प्रिंट कर रख लें, और ट्रांजेक्शन स्लिप जरूर से जरूर प्रिंट करके रख लें, क्योंकि जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपसे जरूर से जरूर मांगा जाएगा स्लिप, उसे जरूर से जरूर डाउनलोड करके रख लें। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर मैं सारी बातों को बता चुका हूँ। अगर अभी भी किसी पर डाउट आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेट देने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।